नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मित्रों, इसके पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना बताया था इसके पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार निगेटिव में चेंज करते हैं और किस प्रकार निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए, इसकी हेडिंग है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। देखिए मित्रों, इसका पहला रूल है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो अब इसमें देखिए, ब्यूटीफुल का विलोम क्या होता है? अगली। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और अगली मीन्स कुरूप या बदसूरत। तो अब इसके पहले नॉट लगाकर किसको बनाएंगे? देखिए, सीता इज अब निगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा ही। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक कुरूप लड़की नहीं है, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं, अर्थात सीता एक सुंदर लड़की है। दूसरा देखिए, ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीना पसंद है, पीना ड्रिंकिंग केवल ड्रिंकिंग आया तो उसका मतलब शराब पीना से, कह रहा है कि उसे शराब पीना पसंद है। अब देखिए, लव मीन्स प्रेम करना होता है, तो लव का विलोम क्या होगा? हेट, घृणा करना। अब चूंकि निगेटिव में बदलेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि टेंस किसका है, कौन सा टेंस है। देखिए, ये ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करता है। अब जिसमें देखिए, लव क्रिया में यस लगा है, इसका मतलब यस ए एस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव जब होता है वाक्य तो डू और डज का प्रयोग होता है, एक बच्चे के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। तो देखिए, ही एक बच्चन है तो डज लग जाएगा। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे पीने से घृणा नहीं है, उसे पीने से घृणा नहीं है या वह पीने से नफरत नहीं करता, अर्थात वह पीना पसंद करता है। देखिए मित्रों, अगला, आई वॉज अफर्मेटिव, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। देखिए, जब जहां वेदर लगा रहे हैं वहां पर विकल का भाव प्रकट होता है, ये काम है या नहीं है। जैसे आई वॉज डाउटफुल, मैं संदेह में था वेदर ही वेंट देयर, कि क्या वह वहां गया है। तो इसका कनेक्शन यह है कि मैं संदेह में था कि वह वहां गया है कि नहीं गया है। जहां वेदर का प्रयोग हो वहां पर विकल्प प्रकट होता है। अब देखिए, डाउटफुल मीन्स होता है संदेहपूर्ण, तो इसका विलोम क्या होगा? श्योर, निश्चित। देखिए, आई वॉज नॉट श्योर, इसके पहले श्योर विलोम, इसके विलोम लिखेंगे, इसके पहले नॉट का प्रयोग। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था कि वेदर ही वेंट देयर, कि वह वहां गया है कि नहीं गया है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, लिखा है द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है। अब डिफिकल्ट का विलोम क्या होगा? इजी, उसके पहले नॉट लगा करके। इसका मतलब है प्रश्न कठिन है, इसका मतलब है द क्वेश्चन इज नॉट इजी, प्रश्न सरल नहीं है, मतलब प्रश्न कठिन है। जैसे अगर कहा जाए सूर्य ठंडा नहीं है, मतलब सूर्य गर्म है। वी विल ऑलवेज लव आवर पेरेंट्स, हम सदैव अपने माता पिता से प्रेम करेंगे। अब देखिए, ऑलवेज का विलोम होगा नेवर, ऑलवेज मीन्स सदैव और नेवर मीन्स कभी नहीं। लव मीन्स प्रेम करना और हेट मीन्स घृणा करना। इसका अर्थ है हम सदैव अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, और इसका अर्थ है कि वी विल नेवर हेट आवर पेरेंट्स, हम कभी अपने माता पिता से घृणा नहीं करेंगे, अर्थात अपने माता पिता से सदैव प्रेम करेंगे। अगला देखिए, द रिवर इज डीप, नदी गहरी है। डीप का विलोम सैलो, सैलो मीन्स छिछला। द इसका अर्थ है, इसके पहले नॉट का प्रयोग देखिए यहां है, इसका अर्थ है द रिवर इज डीप हियर, नदी यहां पर गहरी है, और नीचे का अर्थ है द रिवर इज नॉट सैलो हियर, नदी यहां पर छिछला नहीं है, अर्थात गहरा है। आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब देखिए, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें सदैव याद करूंगा। अब देखिए, ऑलवेज का विलोम नेवर, और रिमेंबर का, रिमेंबर मीन्स याद करना, तो फॉरगेट मीन्स भूलना। उसके देखिए, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी
नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, अर्थात मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। अब तो अगला देखते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। अब देखिए यहां लिखा है एज एज, इसका हिंदी में अर्थ होता है उतना जितना। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, जहां एज एज यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो उतना और जितना के लिए अफर्मेटिव का एज एज का प्रयोग होगा। जैसे मोहन उतना बुद्धिमान है जितना श्याम, जैसे मोहन उतना बुद्धिमान है जितना श्याम, अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पर एज एज का प्रयोग होगा। या अगर वाक्य ऐसे अगर निगेटिव रहे तो वहां एज सो एज, जैसे देखिए सो एज उतना जितना के लिए निगेटिव सेंटेंस में सो एज का प्रयोग होता है। जैसे मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना श्याम, उतना बुद्धिमान नहीं है जितना श्याम निगेटिव रहेगा तो सो एज, और जैसे मोहन उतना बुद्धिमान है जितना श्याम तो वहां पर एज एज का प्रयोग होगा। देखिए गीता इज एज इंटेलिजेंट एज सीता, गीता उतनी बुद्धिमान है जितनी सीता। अब देखिए ये वाक्य अफर्मेटिव है, नॉट का प्रयोग इसमें नहीं है, तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे जो ये बॉक्स में दिया है। क्या दिया है, पहले सब्जेक्ट टू लिखेंगे, देखिए यहां सब्जेक्ट टू लिखेंगे, देखिए यहां पर पहले दूसरा सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट है ये दूसरा, तो सीता, उसके बाद क्या है वर्ब है, भी का मतलब वर्ब, तो इज, यहां पर इज लिखेंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद कंपरेटिव डिग्री, सी का मतलब कंपरेटिव, डी का मतलब डिग्री, कंपरेटिव डिग्री। देखिए इंटेलिजेंट का कंपरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, और मोर इंटेलिजेंस और कंपरेटिव डिग्री के साथ देन आता ही है, देन रहेगा। अब उस लास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट को लिखेंगे, देखिए वहां वन है मतलब ये सब्जेक्ट फर्स्ट, ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ये सेकंड है, तो यहां पर ला करके यहां लिखेंगे। अब इसका अभी और देख लीजिए, ऊपर का अर्थ है गीता इज एज इंटेलिजेंट एज सीता, गीता उतनी बुद्धिमान है जितनी सीता, इसका देखिए सीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन गीता, सीता गीता से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अर्थात उसी के समान बुद्धिमान है। मित्रों इसके अर्थ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर का अर्थ है कि गीता उतनी बुद्धिमान है जितनी सीता, और नीचे वाले का क्या अर्थ है, नीचे वाले का अर्थ है कि सीता गीता से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अर्थात उसी के समान बुद्धिमान है। इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को फिर से बता दूं, देखिए जहां अफर्मेटिव सेंटेंस में एज एज लगता है, मैंने पहले ही बता दिया यहां पर एज एज उतना जितना अफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट टू रहेगा तो सीता को लिखेंगे, फिर वर्ब है तो इज लिखेंगे, फिर नॉट है तो यहां पर नॉट लिखेंगे, फिर कंपरेटिव डिग्री है तो इंटेलिजेंट का कंपरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट रहेगा, और कंपरेटिव डिग्री के साथ देन आता ही है, देन रहेगा, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट गीता है तो यहां पर गीता, इसका अर्थ हो जाएगा कि सीता गीता से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अब इसको देखिए, यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में हो और उसमें कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो इसे निम्न प्रकार निगेटिव में बदलते हैं, दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में हो और उसमें कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो इसे इस प्रकार बदलते हैं। कैसे, इस देखिए जो बॉक्स में दिया गया जो स्ट्रक्चर, इस तरह बदलते हैं इसमें। देखिए जैसे ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे महान है, देखिए ये वाक्य अफर्मेटिव है और कंपरेटिव डिग्री भी लगा है, ग्रेटर और देन लगा है, उसका अर्थ है वह मुझसे ज्यादा महान है या वह मुझसे अधिक महान है। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहां पर पहले सब्जेक्ट टू है तो हम यहां पर लिख देंगे, यहां देखिए सब्जेक्ट टू है तो यहां पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई सेकेंड, तो यहां पहले आई लिखेंगे, फिर वर्ब है तो यहां पर अब ही के साथ इज लगता है, जब आई लग गया तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, पी का मतलब पॉजिटिव, डी का मतलब डिग्री, तो ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेट, फिर एज, एज है एज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट यानी ही लिखेंगे, इसका अर्थ है ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, और इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना वह, अर्थात मैं उसी के समान बुद्धिमान हूं। पहले ही बताया था मित्रों, लेकिन जिसमें नॉट नहीं लगा रहता उसमें सो एज का प्रयोग होता है समानता व्यक्त करने के लिए, जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है उसमें एज एज का प्रयोग होता है, और जिसमें नॉट लगा रहता है उसमें सो और एज का प्रयोग होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार देखते हैं इसका अर्थ, और समझ में आ जाएगा, अगर आपको आ जाएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ही इज ग्रेटर देन आई, वो मुझसे
अधिक महान है। अब इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, अर्थात मैं उसी के समान महान हूं। दूसरा देखिए, ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे ज्यादा धनी है या वह मुझसे अधिक धनी है। देखिए इसमें ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा, तो हम क्या करेंगे इसके अनुसार लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट दूसरा, तो पहले आई लिखेंगे। अब ही के साथ इज लगता है, लेकिन अब यहां पर आई आ गया तो आई के साथ एम का प्रयोग, फिर यहां पर नॉट है तो फिर यहां नॉट लिखेंगे, फिर सो का प्रयोग, फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, रिचर है तो रिच, रिचर पॉजिटिव क्या होगा रिच, फिर एज लगा है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी ये यहां पर लिख देंगे। इसका अर्थ ही इज रिचर देन आई, वो मुझसे अधिक धनी है, और इसका क्या, आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं उतना धनी नहीं हूं जितना वह, अर्थात मैं उसी के समान धनी हूं। ये अगला रूल है, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हों उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नॉन बट ले आते हैं। देखिए जिन वाक्यों में एलोन आया हो या ओनली शब्द आया हो तो उन्हें हटाकर वाक्य अंत में क्या लिखते हैं, नॉन बट का प्रयोग करते हैं। देखिए, सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सोहन अकेले पुरस्कार प्राप्त किया। अब यहां एलॉन है तो एलॉन को हटा देंगे, इसके शुरू में नॉन बट लिख देंगे। देखिए यहां नॉन बट सोहन गॉट द प्राइज, अब दोनों का, अब देखिए इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब अर्थ एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसका अर्थ है कि सोहन अकेले पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि नीचे वाले क्या अर्थ है, नॉन कोई नहीं बट सिवाय, यहां बट को तो सिवाय सोहन के पुरस्कार प्राप्त किया, कि सिवाय सोहन के कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया, इसका अर्थ वही आता, इसका अर्थ वही हुआ कि मतलब अकेले सोहन ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस वाक्य को देखिए, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था, उसके ओनली आया है तो ओनली को हटा करके नॉन बट लिखेंगे, नॉन बट ए फूल कुड हैव डन इट। अब दोनों का अर्थ भी देख लीजिए, इसका अर्थ है ऊपर वाले का कि केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था, नीचे वाले का अर्थ है नॉन कोई नहीं बट ए फूल, केवल सिवाय एक मूर्ख के कुड हैव डन इट, ऐसा कर सकता था, सिवाय एक मूर्ख के कोई ऐसा नहीं कर सकता था, अर्थात एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था। आए मित्रों इसको भी देखिए, देखिए टू को सो दैट कैन नॉट या कुड नॉट में बदलकर, चूंकि ये रिमूविंग टू वाले में हम बता दिए थे लेकिन फिर भी इसमें भी बता दे रहे हैं कैसे होता है। देखिए, ही इज टू वीक टू रन, जब वाक इसमें टू एडवर्ब लगा रहे, एडजेक्टिव रहे, उसके बाद ये इनफाइनिटिव रहे, टू रन, टू प्ले, टू साउट, ऐसा रहे तो कैसे चेंज करते हैं, यहां पर टू के स्थान पर सो कर देते हैं, फिर एडजेक्टिव तुरंत लिखेंगे, उसके तुरंत बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, फिर प्रोनाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे यहां पर, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। यदि यह वाक्य प्रेजेंट में है, देखिए यहां पर इज लगा हुआ है, प्रेजेंट में है तो यहां पर कैन नॉट का प्रयोग होगा, और यहां पर पास में रहता, वर्ब पास में रहता तो यहां पर कुड नॉट का प्रयोग होता। तो देखिए इसका भी अर्थ सेम वही है, ही इज टू वीक टू रन, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, इसका भी अर्थ वही है, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। अगला देखिए, मित्रों यहां ध्यान रहे, अगर यहां पर वाज रहता तो यहां पर कुड नॉट हो जाता। देखिए, हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, उसका प्रेम हैज बीन टू डीप, इतना गहरा रहा है टू बी फॉरगॉटन, की भुलाया नहीं जा सकता। देखिए यहां पर टू के स्थान पर सो, हर लव हैज बीन सो डीप, उसके डीप तुरंत, इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग, फिर प्रोनाउन ना, अब यहां पर प्रोनाउन रहेगा, लव के लिए इट का प्रयोग, कोई पुरुष रहता तो ही का प्रयोग, इसी रहता तो सी का प्रयोग, तो लव है तो इट का प्रयोग, और ये प्रेजेंट में हैज बीन है तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग, और बाकी सेम उसी तरह, दोनों का अर्थ वही है, ऊपर वाले का अर्थ है कि उसका प्रेम इतना गहरा है कि भुलाया नहीं जा सकता, और नीचे वाले का अर्थ है कि उसका वही है, उसका हर लव हैज बीन सो डीप, उसका प्रेम इतना गहरा है दैट कि इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आई फ्रेंड्स से अगला रूल देखिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट फेल, डज नॉट फेल या डिड, और यदि पास्ट में है तो डिड नॉट फेल का प्रयोग होता है। देखिए यदि ऊपर देखिए, यहां से
अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो डिड नॉट विल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा। अब यहां देखिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाया, मैंने ताज देखा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट फेल का प्रयोग। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं हुआ। डिड नॉट फेल का मतलब असफल न होना, अर्थात मैं ताज देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने ताज देखा। देखिए और समझिए, आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, इसका मतलब आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं हुआ, मैं ताज देखने में फेल नहीं हुआ, अर्थात मैं ताज देखा। ध्यान रखिए ये तभी होगा जब ये पास्ट में रहेगा, तब यहाँ यस से डब्लू साक्रिया का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट फेल का प्रयोग है। और यदि प्रेजेंट में रहेगा तो डज नॉट और डू नॉट। देखिए नीचे वाला नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट फेल और डज नॉट फेल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली, वह अपना होमवर्क नियमित रूप से कंप्लीट करता है, वह अपना होमवर्क नियमित रूप से पूरा करता है। अब देखिए ये कंप्लीट सा लगा है, पूरा करता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो ही के साथ डज नॉट फेल का प्रयोग। ही डज नॉट फेल टू कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली, वह नियमित रूप से अपना कार्य पूरा करने में असफल नहीं होता, अर्थात वह नियमित रूप से अपना कार्य पूरा करता है। ये देखिए यू टीज द स्टूडेंट्स वेल, तुमने छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाया, सॉरी यू टीज द स्टूडेंट वेल, तुम छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाते हो, ये प्रेजेंट डेफिनिट में है। तो देखिए अब यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, यू डू नॉट फेल टू टीज द स्टूडेंट वेल, तुम छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाने में असफल नहीं होते, अर्थात तुम अच्छी तरह से पढ़ाते हो। आई फ्रेंड्स ये देखें ये आखिरी नियम है, जब वाक एज सून एज से शुरू हो और इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो नो सूनर का प्रयोग करते हैं, एज सून एज के स्थान पर। उसके बाद क्या करते हैं, डू लगा देंगे या डज लगा देंगे, डिड लगा देंगे, हैड लगाएंगे और देन का प्रयोग होगा, फिर अगला क्लास लिखेंगे। देखिए यदि वाक जो है प्रेजेंट में है तो डू या डज, पास्ट में है तो डिड या हैड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए एज सून एज ही सास, ज्यों ही उसने हमें देखा ही रहने वह भाग गया। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही वह हमें देखा वह भाग गया। आप देखिए मित्रों यहां पर सा लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। एज सून और एज सून एज के स्थान क्या लिखेंगे, नो सूनर, उसके तुरंत बाद डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। और आप जानते हैं कि यदि डिड का प्रयोग डू या डिड का प्रयोग हो गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, यानी सा का फर्स्ट फॉर्म सा सी एस। अब जहां ये क्लास खत्म होगा कामा लगा, जहां दूसरा क्लास शुरू होगा उस वहीं उसके पहले देन का प्रयोग करेंगे, इसका भी मतलब वही है, नो सुने डेड इज सी एस अस, ज्यों ही वह हमें देखा देन ही रहने त्यों ही वह भाग गया। और देखिए या तो इसको ऐसे बदल देंगे या हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिड के स्थान पर हेड लगा देंगे, और आप जानते हैं कि जहां हेड लगता है वहां क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, बाकी सेम उसी तरह चेंज होगा। तो आप चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों सेम ही है। अब ये वाक्य देखिए, एज सुन एज द टीचर इंटर्स द क्लास, ज्यों ही टीचर कक्षा में प्रवेश करता है, द बॉयज बिकेम साइलेंट, बिकम तो लड़के शांत हो जाते हैं, ज्यों ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है लड़के शांत हो जाते हैं। देखिए यहां पर इंटर्स लगा है, इंटर में यस लगा है, इसका मतलब किस यस या यस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम एज सुन एज के स्थान पर नो सुन का प्रयोग करेंगे, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू या डस लगाएंगे, तो यहां पर अध्यापक एक वचन है तो यहां पर डस, नो सुनर डस द टीचर, अब इंटर द क्लास, जो ही ये क्लास खत्म होगा यहां दूसरा क्लास शुरू होगा उसके पहले देन का प्रयोग करेंगे, देन द बॉयज बिकेम साइलेंट, सेम इसी तरह मित्रों अगर यहां पर बहुवचन रहता तो डू का प्रयोग होता। आइए एक उदाहरण और देखते हैं, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, ज्यों ही मैं टाइगर को देखा ही रहने मैं भाग गया। अब देखिए यहां पर सा लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तब यहां पर डिड का प्रयोग होगा, एज सुन एज के साथ नो सुनर, फिर यहां पर डिड लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, और जब डिड लग गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ सी द टाइगर, और यहां ज्यों ही पहला क्लास खत्म होता है उसके तुरंत बाद देन लगाएंगे आई रहने में, ज्यों ही मैं टाइगर को देखा मैं
भाग गया। मित्रों मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना आप लोगों को बता दिया, एक एक दो बार देख लेंगे आप, देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि मैंने मित्रों बहुत ही कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। धन्यवाद मित्रों।